आज कुछ खास खबर देखते हैं। आखिर क्यों नाना पटोले को गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से रखा जा रहा है दूर? क्या है इसकी वजह? क्या पटेल को लगता है नाना इसका चुनावी गेम बिगाड़ देंगे? क्यों भंडारा की रैली से नाना रहे नदारद? अशोक चव्हाण कांग्रेस की सभा से भर रहे थे भंडारा में हुंकार। नाना पटोले अपने राजनीतिक सफर में चुनावी रणनीति की बारीकियों पर नजर रखते हुए कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। पहली बार अपक्ष तौर पर चुनाव लड़कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला बाई कूटे की हार में नाना को बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीतकर खूब विधायकों का आस्वाद नाना ने चखा, लेकिन लोकसभा चुनाव की सांसद बनाने की लालसा में खुद 2009 के चुनाव में अपेक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर भाजपा के उम्मीदवार शिशुपाल पटेल की जमानत जब्त करा दी, जिसके चलते भाजपा ने नाना के समर्थन को देखकर पार्टी टिकट देकर गोंदिया भंडारा लोकसभा में फिर से नाना के हाथों कमल खिलाया। लेकिन कमल 4 वर्ष ही खिलता रहा। यह नाना ने मोदी के खिलाफ विपरीत मोर्चा खोलने का पहले खिलाड़ी का ताज पहन लिया। गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव में नाना के समर्थन से राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार मधुकर कुकड़े सांसद बन पाए, यानी नाना जिधर उधर पार्टी का दबदबा था। यूं कहे नाना जिस दल में उसी दल में सांसद की नैया पार लगे। जैसे नाना पटोले भाजपा में गए तो भाजपा सांसद जीता है, नाना भाजपा से बाहर हुए तो कांग्रेस के समर्थन से मधुकर कुकड़े नाना की बदौलत जीता है। इस दबदबे को देखते नाना पटोले को चुनावी गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव से दूर रखा जा रहा है। नाना पटोले कांग्रेस का कार्यकर्ता है और गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव की टिकट राष्ट्रवादी टिकट लड़ती है, जिसके चलते पटेल को अभी से डर लग रहा है। नाना का समर्थन तो होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर चुनावी हुड किस करवट बैठेगा यह डर प्रफुल पटेल के साफ तौर पर चेहरे को देखने मिल रहा है। यही एक वजह है कि पटेल नाना पटोले को गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से दूर रख रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक या स्कॉर्पियो कब डंक मारेगा यह वह भी नहीं जानता। चुनाव संबंधी चुनाव की इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी, आप मुझे ट्वीट करके या मुझे मेल करके भी बता सकते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।